फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 6 एंड चैप्टर नेम इज टाइप्स ऑफ हाउसेस। ओके, आज से हम सेकंड टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने ये हम रीड कर पढ़ा चुके हैं आपको, लेकिन हम फिर से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये आपके सेकंड टर्म का कोर्स है। ठीक है, तो आप फिर से स्टार्ट करेंगे। हम चैप्टर नेम इज टाइप्स ऑफ हाउसेस। सबसे पहले पेज नंबर 32 ओपन करना है आपको, है ना। इसमें देखिए, टाइप्स ऑफ हाउसेस मतलब घरों के प्रकार। हाउसेस मतलब क्या होता है, घर होता है, तो इनके प्रकार, टाइप्स कितना प्रकार होता है। तो आज हम देखेंगे कि हाउसेस के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार के हाउस होते हैं। ओके, 32 में देखिए, सबसे ऊपर है टाइप्स ऑफ हाउस। टाइप्स ऑफ हाउस मतलब घरों के प्रकार। हाउसेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, घर जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। हमने देखे हैं, सम हाउसेस आर बिग, सम हाउसेस आर स्मॉल, मतलब कुछ घर बिग मतलब बड़े होते हैं और कुछ घर छोटे, स्मॉल मीन्स छोटे होते हैं, है ना। वो हम लोग देखा है, कहीं बड़े घर होते हैं, कहीं छोटे घर होते हैं। सम हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन्स, मड एंड स्टो। कुछ हाउस जो होते हैं, घर जो होते हैं, किससे बनते हैं, स्टोन से। स्टोन्स मतलब पत्थर से, मड मतलब मिट्टी या कीचड़ जो मिला के होता है, मड से बनते हैं। स्टोन मतलब घास भूसे से बनते हैं। दीज आर कॉल्ड हर्ट्स, उन्हें क्या बोलते हैं, हर्ट्स बोलते हैं। हर्ट्स मीन झोपड़ी, है ना। सच हाउसेस आर ऑल्सो कॉल्ड कच्चा हाउसेस, और इन घरों को क्या बोलते हैं, कच्चा हाउसेस, जो किससे बनते हैं, पत्थर से बनते हैं, मिट्टी से बनते हैं, घास भूसे से बनते हैं। उन घर को क्या बोलते हैं, हट्स बोलते हैं। हट्स मतलब झोपड़ी, और झोपड़ी जो कैसे घर होती है, कच्चा हाउस होती है। ठीक है, वो ज्यादा पक्का नहीं होता, कच्चा हाउस होता है। सम हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड वुड। कुछ घर जो होते हैं वो ब्रिक्स मतलब ईंट से, सीमेंट से, और वुड मीन्स लकड़ी से बनते हैं, है ना। They are of different types of, for example, वो अलग-अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि कॉटेज हो गया, बंगलो हो गया, फ्लैट हो गया, अपार्टमेंट्स हो गया, ये सब क्या है, अलग-अलग प्रकार के हाउसेस हैं। Such houses are also called पक्का हाउस, और इन हाउसेस को क्या बोलते हैं, पक्का हाउस। देखे ना आपने बंगलो, बड़े बड़े बंगलो, अपार्टमेंट, फ्लैट, ये सब क्या होते हैं, पक्का हाउस होते हैं। और जो किससे बनते हैं, सीमेंट से बनते हैं, वुड से बनते हैं, वुड मीन्स लकड़ी, और ब्रिक्स मतलब ईंटों से बनते हैं। ओके, अब हम पेज टर्न करेंगे, पेज 33 में देखिए। अब हम पेज 33 पढ़ रहे हैं, आप मेरे साथ रीड करते जाइए, लिखने की जरूरत नहीं आपको कुछ भी, अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अदर टाइप्स ऑफ हाउस, और टाइप्स के हाउस के, और टाइप्स के घर कौन कौन से होते हैं। इन सम वेरी कोल्ड प्लेसेस, मतलब जो बहुत ठंडे स्थान होते हैं, पीपल मेक देयर हाउसेस विद आइस ब्लॉक्स, वहां के लोग अपना घर बर्फ के टुकड़े, आइस ब्लॉक्स मतलब जो बर्फ के टुकड़े होते हैं उससे बनाते हैं। सच हाउसेस आर कॉल्ड इग्लूज, और उन घरों को इग्लूज बोलते हैं। ठीक है, जो बहुत ठंडे स्थान होते हैं, जहाँ बहुत ठंड होती है, वहां के लोग क्या करते हैं, अपना घर आइस ब्लॉक्स में, आइस ब्लॉक्स से बनाते हैं, मतलब जो बर्फ के टुकड़े होते हैं उनसे बनाते हैं, और उस घर को इग्लू कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिया है इग्लू का हाउस, है ना, आप अपनी बुक में देखिए। नेक्स्ट है, सम हाउसेस कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ हाउस जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, सच हाउसेस आर कॉल्ड टेम्पररी हाउस, उन घरों को क्या बोलते हैं, टेम्पररी हाउस बोलते हैं। नेक्स्ट है, टेंट एंड कारावान आर एग्जांपल ऑफ टेम्पररी हाउस। इनमें जो कारावान होता है या टेंट होता है वो किसका एग्जांपल है, टेम्पररी हाउस, ये टेम्पररी हाउस होते हैं। उसके बाद है, सम हाउसेस आर मेड ऑन बिग बोट्स दैट फ्लोट ऑन वाटर, दे आर कॉल्ड हाउस बोट। कुछ घर जो होते हैं वो हाउस बोट पे बने होते हैं, मतलब नाव पे बने होते हैं, और वो पानी में तैर सकते हैं, उस घर को क्या बोलते हैं, हाउस बोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाउस बोट। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हाउस बोट, यहाँ पे कारावान, टेंट, ये सब घर कैसे हैं, ये टेम्पररी हाउस है, और हाँ
हाउस बोट ये नाव में बना हुआ जो घर है उसको हाउस बोट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है डिड यू नो अ टेंट इज मेड फ्रॉम अ टाइप ऑफ क्लॉथ कॉल्ड कैनवास। जो टेंट होता है वो एक प्रकार के कपड़े से बना होता है जिस कपड़े को बोलते हैं कैनवास। ओके, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें आपको इसकी एक्सरसाइज करा देंगे कल नेक्स्ट क्लास में, और फिर एक दिन आपको इसके क्वेश्चन आंसर करा देंगे। ओके, आज के लिए आपका होमवर्क है, आपको कुछ भी लिखना कॉपी में। आज आपको आपका फर्स्ट डे है तो आज आपको रीड करना है, रीड चैप्टर सिक्स। ठीक है, चैप्टर सिक्स में कौन सा है, टाइप्स ऑफ हाउस, ये आपको रीड करना है, आपका होमवर्क है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, अब हम कल आपको इसकी एक्सरसाइज